नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 खबरों पर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बीच नॉर्थ 24 परगना में अलग अलग जगहों पर क्रूड बम से हमले किए गए। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि जहां सिलसिलेवार बम धमाके किए गए, वहीं बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का घर है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के पहनावे को लेकर जो बयान दिया, उस पर विवाद बढ़ गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने तीरथ सिंह रावत के बयान पर तीखा हमला बोला है। महुआ मोइत्रा के अलावा प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तीरथ सिंह रावत पर निशाना साधा है। भारत की स्टार महिला रेसलर्स बबीता फोगाट और गीता फोगाट की ममेरी बहन रितिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि रितिका ने स्टेट लेवल सब जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में हार की वजह से ये कदम उठाया। कोरोना संकट एक बार फिर देश में अपने पैर पसार रहा है। इस साल 102 दिन बाद रिकॉर्ड पहली बार 35,000 से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं, जबकि 172 लोगों की जान चली गई। बीते 24 घंटे के अंदर अकेले महाराष्ट्र में 23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब में भी कोरोना जानलेवा साबित हो रहा है। पंजाब इकलौता राज्य है जहां फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा मौत हो रही है, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा कम हो रहा है। कोरोना वायरस महामारी ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के खौफ के बीच केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट पर आ गई हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में 30 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में 8 चरण में मतदान होना है, जिसकी शुरुआत 27 मार्च से होगी। लेकिन झाड़ग्राम में 82 साल की बुजुर्ग ने पहला वोट डाल दिया है। उन्होंने न सिर्फ वोट डाला बल्कि चुनाव आयोग ने इस वोट को वैध भी करार दिया। एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से लदी मिली स्कॉर्पियो के मामले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस का अधिकारी सचिन वाजे के बयान, कोई अन्य व्यक्ति इस पूरी साजिश का असली आका है। एनआईए से जुड़े एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा, पूरा मामला हल किया जा चुका है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा आने वाले भक्तों के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। किस मार्च से कटरा के लिए जो 2 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है, इसमें नई दिल्ली और वाराणसी से 1-1 ट्रेन है। आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 448.12 अंकों के तेजी के साथ 50,440.74 के स्तर पर खुला। कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बन रहा है। इस पुल के बनने के बाद रेल मार्ग द्वारा कश्मीर घाटी पूरे देश से जुड़ जाएगी। एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचे इस पुल को जोड़ने में करीब 2 लाख बोल्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इंजीनियरिंग के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी करने वाले 2 लोगों को पकड़ा गया है। कस्टम विभाग ने इन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। दोनों रियायत से सोना लेकर दिल्ली पहुंचे थे। उनके पास 0.5 किलो से भी ज्यादा सोना बरामद किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद दावा किया है कि केजरीवाल सरकार की वजह से दिल्ली में 15% कम प्रदूषण हुआ है। गोपाल राय ने कहा कि पहले दिल्ली दूसरे या तीसरे स्थान पर होती थी। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स अपने नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। इस नए फीचर के आने के बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने अकाउंट का पासवर्ड शेयर नहीं कर पाएंगे। पासवर्ड शेयरिंग ज्यादा होने और इस पर लगाम लगाने के चलते ऐसा किया जा रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पुराने वाहनों के कामकाज से जुड़ी फीस को बढ़ा दिया गया है। इसके तहत अगर आपके पास भी 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी है, तो उसका RC रिन्यू कराने के लिए आपको ₹5,000 तक चुकाने पड़ सकते हैं। ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार के प्रसिद्ध जय विलास पैलेस के रानी महल में सेंधमारी हुई। सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जय विलास में हुई इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस स्निपर डॉग के जरिए चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दिल्ली का अपना एजुकेशन बोर्ड मंगलवार को आधिकारिक तौर पर रजिस्टर भी हो गया। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सोसाइटी के नाम से बोर्ड का रजिस्ट्रेशन किया गया। दिल्ली गवर्नमेंट के मुताबिक शुरुआत में अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने के 20 से 25 गवर्नमेंट स्कूलों को DBSE से जोड़ा जाएगा। कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। वहीं महाराष्ट्र में एक ही स्कूल में 30 छात्र और शिक्षक कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके बाद स्कूल को सील कर दिया गया है। आज उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। 4वें साल में उत्तराखंड को नए CM के रूप में तीरथ सिंह रावत मिले। 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में कुछ कार्यक्रम रखे थे, लेकिन अब उन पर सभी कार्यक्रमों को CM तीरथ सिंह रावत ने रद्द कर दिया है। स्काई मेट वेदर ने मौसम
की जानकारी देते हुए कहा कि मध्य भारत में 24 घंटे के बाद बारिश होने और गरज के साथ बौछारें बढ़ने की संभावना है। इस दौरान मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बर्फबारी होने की उम्मीद है। एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म राम सेतु को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अक्षय फिल्म की शूटिंग के लिए अयोध्या निकल गए हैं। इस फिल्म में अक्षय के साथ साथ जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी लीड रोल में हैं। फिल्म का मुहूर्त शॉट अयोध्या में हो रहा है। म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक एक बार फिर इंडियन आइडल में नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स है कि वो इस बार जज नहीं बल्कि गेस्ट के तौर पर नजर आएंगे। 90s स्पेशल वीकेंड एपिसोड में अनु मलिक के साथ साथ सिंगर उदित नारायण और गीतकार समीर भी होंगे। बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी का कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो रहे हैं। वो OTT प्लेटफॉर्म के लिए शूटिंग कर रहे थे, इसी दौरान वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। हाल ही में एक वर्चुअल इवेंट के दौरान उन्होंने कोरोना वायरस नियमों को फॉलो करने पर जोर दिया है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा रिया को मिली जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव के फैंस का उनके बेटे को देखने का इंतजार आखिर खत्म हो गया है। अमृता के पति RJ अनमोल ने बेटे वीर के जन्म के करीब 4 महीने बाद उसकी फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। 5 मिनट 25 खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।